आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरटेल रोमिंग पैक और जो बहुत लोग इंडिया से गल्फ कंट्री में आते हैं उनके मोबाइल में जो है नेटवर्क नहीं आता है, चाहे वो जियो का हो, वोडाफोन का हो, कोई सभी कंपनी का आप सिम लेके आना चाहें इंडिया से, सऊदी, ओमान, कतार, बहरीन, कोई सभी कंट्री जा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि उस समय में नेटवर्क नहीं आता है। मान लीजिए कि अभी आप आ चुके हैं, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो क्या सेटिंग करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी जो है अभी सऊदी अरब में हूँ और मैं जब आया तो मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैं किस तरीके से सेटिंग किया इस वीडियो में आपको बताऊँगा और आपको 100% जो है आपका नेटवर्क आ जाएगा। आप ट्राई करिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, आप भी बहुत सारा वीडियो देख के थक चुके होंगे लेकिन आपका नेटवर्क नहीं आया होगा या फिर ऑटोमेटिकली आ भी जाता है। सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ। वहाँ पे मैं भी बहुत सारा वीडियो देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं क्या किया, जियो कस्टमर केयर को कॉल किया। किस तरीके से किया, आपको तो यहाँ पे आएंगे तो आपको सऊदी का सिम लेना होगा, तो मैं क्या किया, बहुत सारा वीडियो देखा तो बोला उसमें कि आपको रोमिंग पैक डलवाइए, रोमिंग पैक डलवाइए तभी आपका जो है नेटवर्क आएगा। मैं 1100 या फिर कुछ फ़ोन पे का चला रहा था, फ़ोन 1100 जो है मैं रिचार्ज किया, ठीक है, फ़ोन पे से रिचार्ज किया। आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा यहाँ पे, हो सकता है तो, क्योंकि वो पुराना हो गया। मैं किया रिचार्ज लेकिन मेरा नेटवर्क नहीं आया। कैसे आया, क्योंकि इतना पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, रोमिंग पैक डलवाने की भी ज़रूरी नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, मैं बहुत सारा वीडियो देखा, फिर मैं कस्टमर केयर को कॉल किया। कैसे किया, यहाँ का सिम लिया, यहाँ का सिम लेने के बाद मैं जैसे 20 रियाल 30 रियाल में 70 मिनट 80 मिनट आप इंडिया बात करिए, तो इस तरीके से मैं जो है कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल किया तो कस्टमर केयर ने यही बोला सेटिंग बताएगा। सिंपल सेटिंग, क्या सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपका 100% काम करेगा। सिर्फ गूगल में जाना है, जियो कस्टमर केयर का नंबर लेना है, वहाँ पे कॉल करना है। कस्टमर केयर आपको यही बोलेगा कि आप मोबाइल नेटवर्क में जाइए। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद आपको मैनुअल सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे कैसे किया हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे, जब नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जियो का है और मेरा 2 सिम है मोबाइल में, एक है और जैन का और एक है जियो का, ठीक है। जियो का नेटवर्क कैसे लाना, जैसे कि आपका हो सकता है तो एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, कोई सा भी आपका सिम हो सकता है। नेटवर्क मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे आएंगे नेटवर्क आपका गुल हो जाएगा, आपको सेट करना ही पड़ेगा। मोबाइल में नेटवर्क पे जाने के बाद जैसे आप इंडिया में कैसे मोबाइल नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है, थोड़ा देर सर्चिंग लेगा, टाइमिंग लेगा, उसके बाद आपको STC का आएगा, जैन का आएगा, जो भी कंपनी का आपका नेटवर्क पकड़ता हो, और जियो का सिम या फिर एयरटेल का सिम उसका आएगा, ठीक है। तो जितना भी आपके पास आएगा ना, उस पर आपको टैप करना है, क्लिक करना है, ऐसे ऐसे करके जो भी नेटवर्क पकड़ ले तो समझ लीजिए कि आपका वही नेटवर्क काम करेगा ऑटोमेटिकली। तो खास करके 100% कौन सा नेटवर्क काम करेगा ये मैं, 100% आपका जो है जैन, मेरे मोबाइल में जो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैन का नेटवर्क मेरे मोबाइल में जो है काम कर रहा है। जैन कौन सा, 4G नहीं, 2G नहीं, 3G। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही जैन 3G पे क्लिक करता हूँ मेरा नेटवर्क आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही जैन 4G या फिर STC या फिर जो भी नीचे में मोबाइल ही आ रहा है उस पर क्लिक करता हूँ तो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जैन 3G पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क आ जाता है। 4G पे भी क्लिक, जैन 4G पे भी क्लिक करता हूँ तो भाग जाता है। जैन 2G पे क्लिक करता हूँ तो नेटवर्क भाग जाता है, मतलब कि यहाँ पे पकड़ेगा तो नेटवर्क जैन 3G पे। तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क अभी तक आप यहाँ पे आए हैं, आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप ये कोशिश कर सकते हैं। और जो आदमी लोग बोलता है कि रोमिंग पे डलाओ, ये डलाओ, डलाओ, बिल्कुल भी डलवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा खुद का पैसा जो है वेस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डला के कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब का जो सिम लेते हैं उसमें तो आपको पता ही है कि नेट विट हर एक चीज़ चलता है, तो इसमें करा के कोई फ़ायदा नहीं। मैं जब आया 3 साल पहले तो मुझे वो सिम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसके वजह से जब मैं यहाँ पे आया तो ऑटोमेटिकली उस सिम में जो है नेटवर्क आ गया, और 2 साल तक चलाए मैं कोई रिचार्ज भी नहीं किया, इंडिया गया तो भी वो सिम चल ही रहा था। लेकिन अभी जो सिम लेके आया हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब है, इस वजह से मैं थोड़ा लेके आया हूँ और मैं जो है चलाता हूँ। इस वजह से इस सिम में जो है रिचार्ज कभी कभी 2 महीने में रिचार्ज 119 रुपये का कर देता हूँ, बस उससे तो बात ना होता है, इस वजह से चालू रखने के लिए थोड़ा जो है कभी कभी कर देता हूँ, नहीं तो टॉप अप मार देता हूँ 10-20 रुपये का। तो इस तरीके से आप जो है चालू कर सकते हैं, 100% आप ट्राई करिए। जैन 3G अगर आपके पास नेटवर्क आ रहा है तो वही जो है दिया आपका बता रहा हूँ कि वो चलेगा। आप चाहे दुबई में हो या फिर ओमान में हो या कतार में हो या कुवैत में हो, वहाँ पे सर्च करिए, इसी तरीके से आप टैप करिए, जो भी नेटवर्क आ रहा है जो पकड़ ले, समझिए कि वही सिम वही नेटवर्क आपका काम करेगा। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया था तो भाई मुझे भी परेशानी हुआ था, मैं 3 दिन तक परेशान था। मैं आपको बताया ही कि मैं रोमिंग पैक भी कराया, बहुत सारा वीडियो भी देखा, समझ में नहीं आया, लेकिन ये सेटिंग किया तो मुझे
चलने लगे, अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी नेटवर्क जो है भाग जाता है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, लेकिन फिर भी जो है आ जाता है, SMS उसमें सब आता है। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट आज की इस वीडियो में, इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और जानकारी के साथ।